हेलो एवरीवन, सुनीता ओल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, मैं फिर से आप सभी के लिए एक थालपोस यानी बिग थालपोस का डिजाइन लेके आई हूँ। ये बिग साइज का है, आप इसका यूज मल्टी यूज इसका कर सकते हो। टब टेबल कवर या डाली ढकने का यूज, हम लोग की तरफ यहाँ डाली वगैरह ढकते हैं छठ पूजा में या कर्मा पूजा में, तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा लगता है। ये देखिए मेरा जो टेबल है जिसमें मैं ये सब वर्क करती हूँ, क्रोचेट वर्क, तो ये टेबल देखिए मेरा टोटल कवर कर गया, इतना बड़ा साइज का ये है। मैंने इसमें इंच से नहीं नापा है, अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे मेंशन कर दूंगी अगर मेरे पास टाइम हो, या तो मैं कर दूंगी जब टाइम होगा, तो मैं करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं ये 3 कलर से मैं बनाई हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छा लुक है। ग्रीन कलर, व्हाइट ग्रीन और येलो कलर का कॉम्बिनेशन मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे जो मैं उनका यूज करूंगी वो है 4-ply का, और ये है आपका उज्ज्वल या वर्तमान, यही दोनों मैं यूज करती हूँ हमेशा, तो इसका यूज कर रही हूँ मैं। अगर आप चाहो तो 3-ply की भी उनसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो नीडल्स मैंने लिया हुआ है ये आपका 5 नंबर का है और 3.0 mm का है। सीजन ले लेना है आपको, छोटा बड़ा जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसे लेके बैठिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाओगे तो क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन मेरे आपके मोबाइल में चले जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं एक राउंड हमेशा घुमाती हूँ इस तरह से, नीडल्स को राउंड घुमाते हुए, और उस लूप के अंदर से मैं फंदे को खींचती हूँ, ठीक है, और इसे टाइट कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, नॉट लग जाता है, फिर आप फंदे को थोड़ा सा लूज कर लीजिए और बस फंदे को खींचते खींचते हुए आपको चेन बनाना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 8 चेन बनाऊंगी, ठीक है। 8 चेन बना के मैं मैजिक रिंग बनाऊंगी, देखिएगा कैसे। तो ये देखिए यहाँ 8 चेन बन चुका है, जो सबसे फर्स्ट वाला चेन था मैं वहीं पे क्रोचेट नीडल्स को इस तरह से डालूंगी और फंदे को खींचते हुए स्लिप स्टिच कर दूंगी, ठीक है। तो ये खासकर मैं विगनर लोग के लिए मैं ये बता रही हूँ, और जिनको आता है वो तो ऐसे ही देख के समझ जाते हैं, तो मैं उन लोग के लिए बता रही थी कि इस तरह से आप कीजिएगा। और इसके बाद मैं फर्स्ट रो के लिए मैं देखिए यहाँ पे 5 चेन ले रही हूँ। 5 चेन लेने के बाद, सॉरी 4 चेन ले रही थी, 4 चेन लेने के बाद फिर मैं डबल क्रोशे निकाली, फिर 1 चेन लूंगी गैप में, 1 चेन का स्पेस लेना है फिर आपको, फिर डबल क्रोशे निकालना है, फिर बीच में 1 चेन का स्पेस लेना है, फिर 1 डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से टोटल आपको 16 टाइम डबल क्रोशे को निकालते हुए जाना है, ठीक है। ये आपका चेन को मिला के 16 कहलाएगा। अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो आपको 15 निकालना है डबल क्रोशे, और चेन को काउंट करोगे तो आपका हो जाएगा 16, ठीक है, ये मैं बता दे रही थी। तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप चाहो तो इसे काउंट करके भी देख सकते हो कि आपका पूरा है कि नहीं। तो इस तरह से आप पूरा काउंट कर लीजिएगा कि 16 टोटल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैं काउंट कर रही हूँ, तो यहाँ देखिए 16 हो चुका है। अब मैं 1 चेन लूंगी और इसे ज्वाइन करूंगी, तो यहाँ पे मैं 3 काउंट करूंगी नीचे से ऊपर की ओर तक। ऊपर 3 जहां आएगा वहां पे आपको नीडल्स को डालना है, फंदे को खींचना है और स्लिप स्टिच कर लेना है, ठीक है। अब मैं सेकेंड रो में जाऊंगी, तो सेकेंड रो के लिए फिर से मैं देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 4 चेन बनाई, ठीक है। 4 चेन बनाने के बाद अब उसके बाद मैं फिर 3 चेन बना रही हूँ एक्स्ट्रा। 3 चेन बनाने के बाद अब मैं 2 टाइम फंदे को घुमा रही हूँ इस तरह से, और जो चेन है यानी लूप है, जो चेन का लूप बना हुआ है ये देखिए ऊपर में, ये डबल क्रोशे के ऊपर में देखिए बना हुआ रहता है, वहीं से आपको इस तरह से ट्रिपल क्रोशे कर लेना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे देखिए 2 चेन का 3 चेन का स्पेस लूंगी और फिर बगल वाले चेन में चले जाऊंगी यानी बगल वाले लूप में चले जाऊंगी, डबल क्रोशे के ऊपर से ट्रिपल डबल क्रोशे निकाल लेना है आपको इस तरह से, फिर 3 चेन का स्पेस लेना है और फिर मैं ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी डबल क्रोशे के ऊपर से, इस देखिए यहां से, और
और इसी तरह से आपको पूरा ये सेकेंड रो को रिपीट करते हुए जाना है। सेम बनेगा, थ्री चेन का स्पेस लेना है, फिर ट्रिपल क्रोशे निकालना है, सारे डबल क्रोशे के ऊपर में जो लूप है उसी के ऊपर से आपको इस तरह से निकालते हुए जाना है। ठीक है, यहाँ मैं इधर साइड कर ली थी इसलिए मैं फिर से वापस उसकी सिधाई में कर रही हूँ, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसकी सिधाई में जानी चाहिए। तो ये देखिए, ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, ये पूरा हो चुका है और फिर से आप काउंट करोगे तो ये 16 ही होगा। ठीक है, फिर मैं थ्री चेन बनाऊंगी और जैसे मैं फर्स्ट में चेन को काउंट कर दी थी तो यहाँ पर भी मैं इस तरह से फोर चेन को काउंट करूंगी। यहाँ पे फोर चेन काउंट करना है आपको और वहां पे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। तो ये सेकेंड रो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इस तरह से काउंट करके भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करूंगी सिंगल क्रोशे और उसके बाद मैं देखिए थ्री चेन बना रही हूँ, फिर वहां से एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर टू चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर उसके बाद फिर से मैं इसी लूप के अंदर से टू टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी दो बार निकालूंगी मैं यहाँ से डबल क्रोशे, फिर उसके बगल वाले लूप में चले जाऊंगी, फिर वहां से टू टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर बीच में टू चेन का स्पेस, फिर उसके बाद फिर उसी लूप के अंदर से टू और डबल क्रोशे निकालूंगी। टोटल आपका फोर डबल क्रोशे एक लूप के अंदर से, यानी वन लूप के अंदर से निकालना है, बीच में आपको टू चेन का स्पेस देना है और इस तरह से थर्ड रो को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये मैं पूरा यहां तक करके ही दिखाऊंगी। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है ये थ्री रो। अब यहाँ पे ज्वाइंट करना है सेम उसी तरह से, आपको काउंट करना है थ्री। ये देखिए सारा मैं इसी तरह से बनाई हूँ। अब यहाँ पे वन टू थ्री, जहाँ पे थ्री आएगा मैं नीडल्स को इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करी नीडल की सहायता से। फिर यहाँ पे कट कर देना है क्योंकि यहाँ पे मैं व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी। अब यहाँ पे क्रोचेट नीडल्स में ही मैं नॉट लगा ले रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे जो मैं फ्लावर बनाई थी फोर डबल क्रोशे वाला, उसके बीच में जो टू चेन का स्पेस ले रही थी, वहीं पे मैं देखी इस तरह से व्हाइट वाले उनको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर ली। अब ज्वाइंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगी। तो जब भी आप शुरू करोगे चेन की सहायता से शुरू करना है, तो यहाँ पे मैं थ्री चेन बनाई। थ्री चेन बनाने के बाद सेम वही रिपीट होगा, फिर वन डबल क्रोशे करूंगी फर्स्ट में, फिर टू चेन का स्पेस लूंगी, फिर उसी लूप के अंदर से टू और डबल क्रोशे निकालूंगी। टोटल आपका यहाँ पे फोर कहलाएगा ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं वन चेन का स्पेस ले रही हूँ, सॉरी टू चेन का स्पेस ले रही हूँ। टू चेन का स्पेस लेने के बाद मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, बीच में ही आपको ये फ्लावर के बीच में जो टू चेन का स्पेस ली थी वहीं से आपको फिर से ये फ्लावर निकालना है डबल क्रोशे वाला। तो यहाँ पे मैं फिर से टू डबल क्रोशे बनाई, फिर टू चेन ली, फिर यहाँ से इसी लूप के अंदर से एक और टू डबल क्रोशे निकालूंगी। टोटल फोर हो जाएगा ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये जो फ्लावर है उसी के ऊपर ही आपको बनाना है। तो यहां देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे टू चेन ली थी लेकिन मुझे वन चेन लेना था, तो मैं यहाँ पे टू चेन ले ली थी। तो आपको फिर से वन ही चेन लेना है। मैं पहले ही बोल रही थी कि वन चेन, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो हमेशा शॉर्ट शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ। वन वीक में मेरा कंप्लीट होता है कोई भी, बहुत टाइम लग जाता है तो इसी कारण मैं भूल भी जाती हूँ कि मैंने कैसा बनाया क्या किया। तो जब मैं इसे
ज्वाइंट करती हूँ तब मैं बोलते बोलते फिर जैसा वीडियो होता है वैसे बोलती हूँ मैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए 211 चेन ले रही हूँ स्पेस यहाँ पे, फिर 4 डबल क्रोशे वाला फ्लावर बना रही हूँ, बीच में 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ। इसी तरह से मैं टोटल आपका 4 रो को इस तरह से कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट करूंगी। तो हाउस वाइफ के लिए ये डिफिकल्ट होता है क्योंकि दिन भर आपको घर का काम करना होता है, जो थोड़ा मोरा दोपहर के समय या तो इवनिंग में या नाइट के समय जो टाइम मिलता है बस उसी समय ये सब मैं वीडियो शूट करती हूँ। इस कारण कभी मैं 2 या कभी 4 या कभी 6 वीडियो इस तरह से शूट करती हूँ, तो इसलिए ज्वाइंट करते समय मैं भूल जाती हूँ, तो इसके लिए सॉरी चाहती हूँ मैं। तो ये देखिए मैं स्लिप स्टिच करके यहाँ पे आ गई, मैं बोलते बोलते ये भूल गई थी। तो सेम ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे स्लिप स्टिच करके मैं यहाँ पे ज्वाइंट की और सेम वही फ्लावर बनेगा। पहले चेन से शुरू करना है, फिर आपको डबल क्रोशे करना है, उसके बाद 2 चेन लेना है, फिर 2 डबल क्रोशे करना है। अब यहाँ पे मैं 2 चेन का स्पेस लूंगी, ठीक है। तो ये जो आपका 5 रो है इसमें आपको 2 चेन का स्पेस लेना है 5 रो में, फिर वही आपको 4 डबल क्रोशे करना है, बीच में ये दोनों के बीच में 2 चेन का स्पेस लेना है। ये देखिए इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट करते हुए जाना है। तो यहाँ पे देखिए चेन की क्वांटिटी बढ़ रही है, नहीं तो फ्लावर सेम ही बन रहा है। तो इसी तरह से 2 और मैं फ्लावर बनाऊंगी तो उसमें क्या होगा, आपका चेन की क्वांटिटी बढ़ेगी। जैसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से फ्लावर को मैं बनाऊंगी, तो वो भी दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि कमेंट वो भी आ जाता है कि आपने स्किप कर दिया मैं समझ नहीं पाई, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसको भी दिखा ही दूँ। बस यही होता है कि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे 3 चेन लूंगी और सेम वही देखिए स्लिप स्टिच करते हुए फ्लावर के अंदर आपको फिर फ्लावर निकालना होता है उसी लूप के अंदर से। फिर यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ और फिर फ्लावर निकाल रही हूँ, 4 डबल क्रोशे वाला फ्लावर। तो इस तरह से सेम रिपीट होगा, फ्लावर बनाना है। फ्लावर तो आपको आइडिया हो गया है और बीच में आपको बस यहाँ पे चेन की ही क्वांटिटी को बढ़ाते हुए जाना है। तो अब यहाँ पे मैं देखिए 3 चेन ले रही हूँ और फिर फ्लावर बना रही हूँ, 4 2 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, टोटल 4 होना चाहिए। इस तरह से ये फ्लावर के ऊपर से फ्लावर में बना रही हूँ और यहाँ पे चेन की क्वांटिटी बढ़ रही है। ये 6 रो भी इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से 3 काउंट करने के बाद इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। फिर देखिए मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच की और सिंगल क्रोशे करते हुए फिर मैं देखिए इसे ज्वाइंट की और उसके बाद मैं फिर 3 चेन बनाऊंगी, फिर 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। फर्स्ट में आपको इसी तरह से रिपीट करना है जब भी आप दूसरे वाले रो में जाओगे। तो इस तरह से ये रो को भी कंप्लीट करना है आपको। ये देखिए यहां पे मैं 4 चेन बना रही हूं, पहले 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पे 4 चेन बना के मैं इसे ज्वाइंट कर दूंगी।
ज्वाइन करने के बाद फिर से आपको दूसरे रो में इसी तरह से जाना है। अच्छा सेवन, ये मैं बोलना भूल गई थी कि सेवन रो मैं कंप्लीट की, अब ये एट रो में मैं आ गई हूँ। तो एट रो में भी आपको इस तरह से सेम स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन करना है और दूसरे वाले रो में करना है। फिर यहाँ पे मैं थ्री चेन बना रही हूँ और जो यहाँ पे फोर चेन का स्पेस ली थी वहीं से मैं देखिए इस तरह से बीचों बीच इस तरह से जा रही हूँ और सिंगल क्रोशे की फिर मैं थ्री चेन बनाई और फिर यहाँ से फ्लावर के अंदर से मैं फ्लावर निकाल रही हूँ। बस यहाँ पे देखिए ये जो चेंजिंग हो रहा है एट रो में, बस आपको ये ध्यान से देखना है, यहाँ पे ही चेंजिंग हुआ आपका, वो जो सिंगल क्रोशे में कर रही हूँ। अगर टाइट हो रहा होगा आपको जब सेवन रो में, तो आप वहां पे फाइव चेन भी ले सकते हो या तो फोर चेन, जैसा सुविधा होता है। फिर से मैं यहाँ पे फोर डबल क्रोशे वाला फ्लावर बनाऊंगी और इस तरह से फ्रेंड देखिए मैं बीच में एक सिंगल फ्लावर बनाई, फिर थ्री चेन का स्पेस, फिर वन डबल क्रोशे निकाली उसके बीचों बीच, फिर मैं थ्री चेन बनाई, फिर फ्लावर। इसी तरह से मैं पूरा ये राउंड को घुमा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरे वाले लूप में सॉरी रो में जाऊंगी तो फिर चेन बना के मैं थ्री चेन बना के इसे ज्वाइंट करूंगी इस तरह से। तो एट रो कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब एट के बाद मैं नाइन रो में जाऊंगी, ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है एट रो। अब यहाँ पे मैं नाइन रो में इस तरह से चले गई, फिर पहले जैसा ही आपको करना है चेन बनाना है, फिर डबल क्रोशे, बीच में टू चेन का स्पेस, फिर टू डबल क्रोशे करना है इस तरह से। फर्स्ट वाला में आपको इस तरह से करना है दूसरे रो के लिए जाने के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, फिर से थ्री चेन लूंगी और ये जो मैं वन डबल क्रोशे बनाई थी उसके ऊपर एक लूप बना हुआ है, मैं यहाँ से थ्री डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, यहाँ से आपको थ्री टाइम डबल क्रोशे निकालना है इसी लूप के अंदर से। फिर से मैं यहाँ पे थ्री चेन का स्पेस लूंगी और फिर सेम फ्लावर बनेगा। और नाइन रो को इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। ये फ्लावर बनाना है, ये देखिए इस तरह से मैं जो सिंगल डबल क्रोशे बनाई थी, वन डबल क्रोशे बनाई थी उसके ऊपर से मैं देखिए थ्री डबल क्रोशे बनाई, यहाँ पे थ्री थ्री चेन का स्पेस ले रही हूँ और फ्लावर के ऊपर से फ्लावर ही बना रही हूँ, सेम बन रहा है और यहाँ पे भी सेम उसी तरह से मैं बनाई। ठीक है, तो ये जो नाइन रो है इसी तरह से पूरा कम्प्लीट करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा कम्प्लीट कर चुकी हूँ, अब इसे ज्वाइंट करके दिखा देती हूँ। फिर से मैं थ्री चेन बनाऊंगी और जहां पे थ्री आएगा वहां पे मैं इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी, नीचे से आपको ऊपर की ओर ज्वाइंट करना है। ठीक है, वन टू थ्री करके फिर यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच की, फिर बीच में सिंगल क्रोशे की, फिर सेम फ्लावर बनेगा और मैं टेन रो में चले जाऊंगी। फिर से आपको थ्री चेन लेना है और ये जो मैं थ्री डबल क्रोशे बनाई थी तो इसके फर्स्ट और सबसे लास्ट वाले से आपको टू टाइम डबल क्रोशे निकालना है उसी लूप के अंदर से। ये देखिए मैं यहाँ से दो बार डबल क्रोशे निकाली, अब जो बीच का है वहां से मैं सिंगल निकाल रही हूँ, एक ही निकालना है वहां से वन डबल क्रोशे, फिर इसके सबसे लास्ट वाले से मैं टू डबल क्रोशे निकालूंगी। तो इस तरह से इसकी क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो इधर से दो, बीच से आपको वन निकालना है। फिर मैं थ्री चेन का स्पेस ले रही हूँ और इसके बाद फिर फ्लावर बना रही हूँ।
ये देखिए इसी तरह से टोटल आपका टोटल रो भी इसी तरह से कंप्लीट होगा। फ्लावर के ऊपर से फ्लावर ही बनाना है। और यहाँ पे देखिए मैं किस तरह से बनाई, तो ये मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। पूरा नहीं कर सकती, पूरा बनाते हुए नहीं दिखा सकूंगी फ्रेंड, बहुत वीडियो बड़ा हो जाता है और इसके कारण बहुत लोग देखते भी नहीं है, तो इसलिए आपको आइडिया हो गया होगा जो मैं समझाना चाह रही थी, इसलिए पूरा बना के दिखाना भी ये नहीं है। और फिर देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट करके फिर से वही फ्लावर बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर दी हूँ इसे, क्योंकि ये सेम ही बना रही हूँ, शुरू से मैं बता रही हूँ इस तरह से बनाना है। फिर यहाँ पे थ्री चेन बना रही हूँ। थ्री चेन बनाने के बाद यहाँ पे आपका फिर से वही चीज करना है, रिपीट, फर्स्ट और सबसे लास्ट वाले से टू टाइम डबल क्रोशे निकालना है उसी लूप के अंदर से दो बार, और सबसे मैं सिंगल सिंगल निकालूंगी, तो बीच का जो है वहां से मैं हमेशा सिंगल सिंगल डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, एक एक करके वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे निकालना है थ्री टाइम, और जो सबसे लास्ट है वहां से फिर टू टाइम निकालना है। ये देखिए इधर से मैं दो निकाली, इधर से दो, अब फिर थ्री चेन बनाई और यहाँ पे मैं फ्लावर बना ली। ये देखिए यहाँ पे चेन बनाई, ये देखिए यहाँ से टू, यहाँ से टू, बीच में सिंगल सिंगल निकाली, तो ये भी पूरा कंप्लीट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। और यहाँ पे ज्वाइंट करना है कैसे, तो ये 11 रो पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर से सेम उसी तरह से ज्वाइंट करना है। अब मैं 12 रो में चले गई हूँ, तो यहाँ पे सेम उसी तरह से फ्लावर बनाना था और थ्री चेन बनाना था, सेम वही रिपीट होगा, इसी कारण मैं इसे थोड़ा फास्ट करके दिखाई। अब यहाँ पे मैं देखिए क्या करूंगी, वन वन करके डबल क्रोशे निकालूंगी, वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे और वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, यानी एक फंदे के अंदर से एक ही फंदा निकालना है, एक ही डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल सिंगल सिंगल करके वन वन लूप के अंदर से वन वन डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। तो 12 रो देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब फिर से थ्री चेन, फिर आपको सेम फ्लावर बनाना है, बस ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर टू चेन का स्पेस, फिर टू डबल क्रोशे निकालना है फ्लावर के लिए। स्किप करके करोगे तो नहीं समझ में आएगा, अगर पूरा देखोगे तो आपको आइडिया आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं सिंगल सिंगल करके निकाली हूँ और इसी तरह से टोटल मैं यहां तक कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए पूरा मैं कंप्लीट कर ली हूँ, फिर से यहाँ पे चेन बना ली हूँ थ्री चेन और यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी, क्योंकि सेम ही रिपीट हो रहा है, वहां पे थ्री चेन ही लेना है और सेम फ्लावर बनाना है। अब ये 13 रो में आपको मैं आ गई हूँ, रो साइड में गलत बता रही हूँ क्या, रो तो ये 13 ही रो चल रहा है ये, और 13 रो में मैं इस तरह से माइनस कर रही हूँ। ये देखिए दोनों को इस तरह से हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर इसके बाद वाला से ये टू लूप के अंदर से हाफ हाफ डबल क्रोशे निकालना है और स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ देना है। तो इधर साइड भी मैं उसी तरह से की थी और इधर साइड भी सेम ही करना है, मैं बोलते हुए भूल गई बोलना, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। फर्स्ट में भी हाफ डबल क्रोशे निकालना है, वन वन लूप, टू लूप के अंदर से हाफ हाफ डबल क्रोशे निकाल के ज्वाइंट कर देना है, और बीच का आपको सिंगल सिंगल क्रोशे निकालना है, सिंगल डबल क्रोशे निकालना है। एक मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से दोनों लूप के अंदर से हाफ हाफ डबल क्रोशे निकाली, फिर एक कर दी उसे स्लिप स्टिच करते हुए, और ये दो बीच में जो है मैं इस तरह से वन वन फोर टाइम डबल क्रोशे निकाली, सॉरी थ्री टाइम, और फिर मैं टू टाइम हाफ डबल क्रोशे करते हुए फिर इसे माइनस कर दी। तो पूरा मैं इस तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये 13 रो कंप्लीट। अब यहाँ पे थ्री चेन करते हुए ज्वाइंट कर देना है।
तो 13 रो जैसे मैं माइनस की थी वैसे ही आपका 14 भी उसी तरह से होगा। अगर वो फास्ट हो गया था तो मैं इसमें आपको अच्छा से दिखा देती हूँ कि कैसे उसे माइनस करना था, घटाना था उसे, तो वो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैं 3 चेन इस तरह से लूंगी, ठीक है। अब देखिएगा मैं कैसे करूंगी, सॉरी ये फ्लावर ये मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये देखिए रात में बनाने से यही होता है, मैं यहाँ पे 3 टाइम जो बना दी हूँ वैसे नहीं बनाना है आपको, यहाँ पे आपको नहीं नहीं 3 ही बनाना है, सॉरी यहाँ पे 3 ही बनाना है आपको। तो यहाँ देखिए मैं खुद भूल गई थी, तो यहाँ पे आपको देखिए हाफ हाफ डबल क्रोशे, देखिए 2 टाइम निकाली 2 लूप के अंदर से, और इसके बाद मैं स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी। फिर यहाँ से देखिए 2 टाइम में 1-1 डबल क्रोशे निकाली, ठीक है, यहाँ पे 1-1 निकालना, सॉरी 1 डबल क्रोशे निकालना था एक, और ये दोनों लूप के अंदर से हाफ हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से, और फिर मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी, एक कर दूंगी इसे, ठीक है। इस तरह से माइनस हो गया, देखिए इधर साइड भी करना है और इधर साइड में बीच में 1 डबल क्रोशे निकाली मैं, फिर 3 चेन बनाई। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करी थी, 2 डबल क्रोशे बना रही हूँ और फिर बीच में 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ, फिर 2 डबल क्रोशे कर रही हूँ, ये देखिए 2 चेन का स्पेस ली, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकाली, फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूंगी। इस तरह से मैं 3 टाइम रिपीट करूंगी। तो ये मैं फर्स्ट में भूल गई थी, तो मैं इसे यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको इस तरह से करना है। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाना है आपको। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से बना है, ये देखिए 2 बनाई हूँ मैं, 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन का स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन का स्पेस, और फिर 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों हाफ डबल क्रोशे निकाली और स्लिप स्टिच कर दी, फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशे, फिर यहाँ से हाफ डबल क्रोशे निकाली और स्लिप स्टिच कर दी। तो इसी तरह से टोटल मैं यहाँ तक कम्प्लीट करके बताऊंगी। तो ये देखिए पूरा मैं कम्प्लीट कर चुकी हूँ, और देखिए मैं यहाँ बताते बनाते रो भी भूल जा रही हूँ। तो ये आपका शायद 14 रो चल रहा है, मैं काउंट करके देख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 14 रो चल रहा है, ठीक मैं बोली थी, तो ये 14 रो है। अब मैं 15 रो में जाऊंगी इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए, जैसे मैं हमेशा बताई हूँ इस तरह से आपको आ जाना है इस फ्लावर में। और अब यहाँ से मैं एक फ्लावर निकालूंगी, तो यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी, फिर 1 डबल क्रोशे जैसे हमेशा बनाती हूँ, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे निकालना है आपको। अब यहाँ पे मैं देखिए इसके बगल वाले लूप में डायरेक्ट चले जाऊंगी और यहाँ से फिर फ्लावर सेम निकालूंगी, फिर यहां से निकालना है आपको, ठीक है। ये दोनों देखिए, ये दोनों से मैं एक एक फ्लावर निकाली, अब फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस ले रही हूं। अब यहां पे मैं क्या करूंगी, 1 लूप के अंदर से हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर दूसरे वाले लूप से भी हाफ डबल क्रोशे, फिर 3 वाले लूप से भी हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से 3 लूप के अंदर से मैं हाफ हाफ डबल क्रोशे 3 टाइम निकाली और ये 4 वाले चारों फंदे को एक कर दी, ठीक है। फिर यहाँ से मैं 3 चेन बनाई और यहाँ से सेम फ्लावर बनेगा जैसे मैं शुरू में दिखाई थी आपको, उसी तरह से 4 डबल क्रोशे वाला फ्लावर बनाना है, 4 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन का स्पेस, इस तरह से कम्प्लीट करना है। और ये 15 रो को इस तरह से मैं पूरा कम्प्लीट करूंगी। अब मैं देखिए यहाँ पे 1 चेन ले रही थी लेकिन लेना नहीं है आपको, डायरेक्ट यहाँ आ जाना है और यहाँ से फिर फ्लावर निकालना है आपको। फ्लावर सेम ही बनेगा, कहीं भी चेंज नहीं है फ्लावर में, इसलिए मैं कहीं कहीं रुक जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड लुक कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। अब इसके बाद ये देखिए पूरा मैं रो को कम्प्लीट करके यहाँ तक दिखाती हूँ, ये 15 रो पूरा इस तरह से पूरा कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पे फिर से मैं 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे 1 2 3, जहां पे 3 आएगा
स्लिप स्टिच करके मैं ज्वाइंट कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे वन चेन लेते हुए कट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं व्हाइट ऊन का यहीं तक कंप्लीट करूंगी। अगर आप चाहो तो पूरा बना सकते हो व्हाइट कलर से। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूंगी। आप पे डिपेंड करता है आपको जो कलर यूज करना है। यहाँ पे मैं क्रोचेट नीडल्स को पहले ही क्रोचेट नीडल्स में इस तरह से नोट लगा लेती हूँ। अब इसके बाद आप कहीं से भी आप इसे बना सकते हो। ये जो फ्लावर मैं बनाई थी, टू फ्लावर इधर साइड और इधर साइड, तो उसके बीचों बीच में इस तरह से फ्लावर के बीच में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी। फिर मैं यहाँ पे थ्री चेन बनाई और सेम उसी तरह से फ्लावर बनाऊंगी। फिर वन डबल क्रोशे, फिर टू चेन का स्पेस, फिर टू डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है। फिर यहाँ पे मैं थ्री चेन बनाऊंगी। थ्री चेन बनाने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ आ जा रही हूँ इस फ्लावर के अंदर। और फिर से आपको थ्री चेन बनाना है। और ये जो मैं यहाँ पे ज्वाइंट की थी, तो वहां उसके ऊपर एक लूप है, वहीं से आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। फिर थ्री चेन बनाना है और फिर डायरेक्ट फ्लावर में आ जाना है। फिर फ्लावर के ऊपर से फिर फ्लावर बनाना है और इस तरह से 16 रो को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 16 रो मैं इस तरह से बनाऊंगी पूरा। यहाँ फ्लावर बनाई, फिर थ्री चेन का स्पेस, फिर फ्लावर, फिर थ्री चेन बनाते हुए मैं यहाँ पर ज्वाइंट की, फिर थ्री चेन, फिर फ्लावर, सेम इसी तरह से रिपीट यहाँ तक करूंगी। तो ये देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे थ्री चेन बनाऊंगी। यहाँ पे ज्वाइंट कर चुकी हूँ पहले ही। अब थ्री चेन बना के फिर मैं वन टू थ्री, और जहां थ्री आएगा मैं वहीं पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। अब ये आपका कंप्लीट। अब मैं 17 रो में जा रही हूँ। तो 17 रो भी सेम उसी तरह से जैसे मैं हमेशा करती हूँ, उसी तरह से फ्लावर को करना है। अब मैं यहाँ पे देखिए फ्लावर निकाली, उसके बाद मैं देखिए थ्री चेन बनाई, फिर यहाँ से मैं वन डबल क्रोशे बनाई, फिर मैं थ्री चेन बना रही हूँ और फिर फ्लावर के ऊपर से मैं फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं स्पेस ले रही हूँ फोर चेन का, सॉरी फ्लावर मैं इस तरह से बना लूंगी। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया फ्लावर। फिर मैं अब यहाँ इस दोनों के बीच में मैं यहाँ पे इस तरह से फाइव चेन बनाऊंगी और डायरेक्ट इस फ्लावर में आ जाऊंगी। यहाँ बीच में आपको नहीं ज्वाइंट करना है, डायरेक्ट फ्लावर में जाके ज्वाइंट करना है। फिर मैं थ्री चेन बनाऊंगी, फिर इस फ्लावर, ये देखिए यहां से वन डबल क्रोशे निकालूंगी। ये दो जो फ्लावर के सामने बीच में जो स्पेस है वहां से वन डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर थ्री चेन बना रही हूँ, फिर फ्लावर बना रही हूँ। जैसे मैं व्हाइट में की थी सेम उसी तरह से अब ग्रीन में रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ पे फाइव चेन बनाते हुए मैं यहाँ पे दूसरे वाले फ्लावर में आ जाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, जहां फ्लावर है वहां से मैं देखिए डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, और जहां पे ये जो आपका भी शेप में जा रहा है वहां से मैं फाइव चेन बना के दूसरे वाले फ्लावर में ज्वाइंट कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको आइडिया होगा इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से टोटल ये 17 रो को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से फाइव चेन बनाऊंगी और ज्वाइंट करूंगी। वन टू थ्री फोर फाइव। अब यहाँ पे फिर से वन टू थ्री
और थ्री जहाँ आएगा वहां पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर दूंगी। फिर इस तरह से सेम स्लिप स्टिच, फिर उसके बाद सिंगल क्रोशे, फिर सेम फ्लावर बनेगा। अब ये मैं 18 रो में चले गई हूँ। 18 रो में सेम जैसे व्हाइट में मैं बनाई थी उसी तरह से फ्लावर बनाई, फिर मैं थ्री चेन। अब ये जो देखिए सिंगल डबल क्रोशे जो मैं बनाई थी, वन डबल क्रोशे, उसके ऊपर से मैं फिर से थ्री डबल क्रोशे निकालूंगी, जैसे मैं नीचे में निकाली थी उसी तरह से। बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, वो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, बीच में अगर सोचोगे कि उसी तरह से डिजाइन बनाना तो नहीं होगा। फिर मैं देखिए फ्लावर बनाई इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर थ्री चेन बनाई, थ्री चेन बनाने के बाद डायरेक्ट मैं इस फ्लावर में चले गई और यहाँ पे फिर फ्लावर निकाल रही हूँ। और ये 18 रो चल रहा है, मैं बता दे रही हूँ आपको। फिर सेम उसी तरह से थ्री चेन बनाना है और फिर आपको वहां से फ्लावर बनाना है और वन डबल क्रोशे के ऊपर से थ्री बार आपको डबल क्रोशे निकालना है, थ्री बार डबल क्रोशे निकालना है। मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ खुद। तो ये देखिए आपको सामने से भी दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए थ्री चेन का स्पेस लेके फिर मैं दूसरे फ्लावर में चले गई हूँ। तो इसी तरह से टोटल यहाँ तक कम्प्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए पूरा मैं इस तरह से पूरा चारों तरफ से राउंड घुमा के कंप्लीट कर चुकी हूँ। फिर मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी, जैसे ज्वाइंट करती हूँ मैं, और इस तरह से 18 रो कंप्लीट। अब मैं 19 रो के लिए जा रही हूँ। तो 19 रो में अब आपको क्या करना है, फिर से सेम फ्लावर बनाना है। सेम फ्लावर बनाना है आपको, फिर टू चेन का स्पेस, फिर टू डबल क्रोशे, अब यहाँ पे मैं देखिए थ्री चेन बनाऊंगी। अब इस यहाँ पे मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगी, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले से टू डबल क्रोशे निकालना है, उसके ऊपर वाले लूप से एक ही लूप से आपको टू टाइम डबल क्रोशे निकालना है, ये देखिए इस तरह से, और बीच वाले लूप से आपको बस वन ही डबल क्रोशे निकालना है, और सबसे लास्ट वाले से फिर आपको टू टाइम निकालना है डबल क्रोशे। इस तरह से क्वांटिटी देखिए बढ़ जाती है। और इस तरह से मैं व्हाइट में भी बनाई थी, नीचे भी इस तरह से बना हुआ है। फिर से मैं थ्री चेन का स्पेस लूंगी और ये फ्लावर में बनाऊंगी डायरेक्ट। ये 19 रो इसी तरह से कंप्लीट होगा। फिर मैं यहाँ पे देखिए थ्री चेन लूंगी, सॉरी टू चेन ले रही हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे आ गई, फ्लावर बना रही हूँ मैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो रोक रोक के भी आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे थ्री चेन बनाना है और फिर सेम उसी तरह से रिपीट होगा जो मैं फर्स्ट में बताई थी आपको। फर्स्ट से आपको टू टाइम डबल क्रोशे निकालना है, बीच से वन डबल क्रोशे, फिर लास्ट से टू डबल क्रोशे, फिर थ्री चेन बनाना है, फिर आपको फ्लावर में इस तरह से ज्वाइंट होते हुए फ्लावर बनाना है और इस तरह से 19 रो को कम्प्लीट करना है। तो ये 19 रो देखिए इसी तरह से मैं टोटल कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं फिर से देखिए चेन की साइड चेन बना चुकी हूँ और इस तरह से ज्वाइंट कर रही हूँ चेन। आपको यहाँ पे थ्री चेन लेना है, नहीं टू ही चेन लेना है, टू चेन लेना था, कभी मैं थ्री चेन ले रही कभी थ्री।
फिर मैं यहाँ पे फ्लावर बनाऊंगी 20 रो के लिए। ये 20 रो चल रहा है फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाई। अब मैं फर्स्ट वाले लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए 1 डबल क्रोशे, उसी लूप के अंदर से एक और निकालूंगी 2 डबल क्रोशे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो बीच में आपका डबल क्रोशे है, तो उसके ऊपर से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी 1-1 करके। और जो सबसे लास्ट वाला डबल क्रोशे है वहां से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। दोनों साइड से देखिए मैंने 2-2 करके निकाली और बीच से मैं सिंगल सिंगल निकाल रही हूँ। फिर 3 चेन ले रही हूँ, फिर फ्लावर बना रही हूँ। सेम उसी तरह से फ्लावर रिपीट है। अब मैं इस रो के लिए आऊंगी, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे आके फ्लावर में ज्वाइंट करना है, या तो आप चाहो तो 1 चेन का भी स्पेस ले सकते हो, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठेला ही बनेगा। इस तरह से देखिए ज्वाइंट की मैं, यहाँ पे देखिए 5 चेन ली थी, फिर मैं यहाँ पे 4 चेन, फिर 3 चेन, फिर 1 चेन या 2 चेन, इस तरह से आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। और सेम उसी तरह से बनेगा। ये देखिए 20 रो मैं पूरा टोटल यहां तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्लावर बनाई और इस फ्लावर से मैं अटैच कर दूंगी। अब इसे यहाँ पे कोई भी चेन का स्पेस नहीं लेना है, डायरेक्ट इसको अटैच कर देना है, आपको जोड़ देना है। अब फिर से स्लिप स्टिच करते हुए फ्लावर बनाना है। और मैं 21 रो में अब आ गई हूँ। ये 21 रो चल रहा है। अब इस रो में क्या करना है, पहले तो आपको फ्लावर बनाना है इस तरह से, फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूंगी और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, सिंगल सिंगल यानी 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इसी तरह से टोटल रो के अंदर से, लूप के अंदर से मैं 1-1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से 1-1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन बना लेना है। फिर फ्लावर में आके इस तरह से फ्लावर निकालना है आपको, फ्लावर के ऊपर से फ्लावर। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जैसे व्हाइट में मैं बताई थी उसी तरह से आपको करना है। यहाँ पे 3 चेन लेना है और फिर यहां से आपको ये देखिए इस तरह से फ्लावर बनाना है। ये दोनों के बीच में 3 चेन का स्पेस होना चाहिए, दोनों फ्लावर के बीच में। और फिर सेम उसी तरह से रिपीट होगा। यहां तक कंप्लीट कर दे रही हूं मैं। फिर यहां पे देखिए 3 चेन में ले ली हूं आगे ही और यहां पे ज्वाइंट करूंगी फ्लावर में। फिर स्लिप स्टिच करते हुए फिर से फ्लावर बनाना है 22 रो के लिए। ये फ्लावर बना ली मैं, ठीक है। फ्लावर बनाने के बाद अब मैं फिर से 3 चेन का स्पेस लूंगी। इधर जितना भी आपका आएगा इस फ्लावर में, आपको 3 चेन का स्पेस दोनों साइड से लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं माइनस कर रही हूँ, ठीक है, हाफ हाफ डबल क्रोशे टू लूप के अंदर से निकाल रही हूँ, और फिर मैं देखिए बीच वाले से वन वन निकाल रही हूँ। अब ये दोनों लूप के अंदर से देखिए हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी, यहाँ से हाफ, फिर यहाँ से हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, और तीनों को मैं स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। तो इधर मैं एक माइनस की और इधर एक मैं माइनस की, ठीक है, इस तरह से आपको घटाना है। फिर मैं यहाँ पे देखिए थ्री चेन ले रही हूँ और इस फ्लावर में आ जाऊंगी, और सेम फ्लावर बनेगा ये, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे आपको इस तरह से स्पेस लेना है, तो यहाँ पे आपको फाइव चेन बनाना है, वन टू थ्री फोर फाइव, सॉरी सिक्स सेवन, सॉरी सेवन चेन चेन बनाना था, मैं भूल गई थी, तो सेवन चेन बनाना है, फिर आपको फ्लावर बनाना है, क्योंकि मैं नीचे में शायद फाइव चेन ली थी इसलिए मुझे याद आ रहा था। तो यहाँ पे आपको सेवन चेन लेना है और यहाँ पे सेम उसी तरह से फ्लावर को बनाना है, ये देखिए इस तरह से सेम फ्लावर, और इधर भी उसी तरह से रिपीट होगा, तो इसलिए मैं इसे छोड़ देती हूँ। आपको यहीं से आइडिया हो गया होगा कि इसी तरह से सेम इधर भी बनेगा, फर्स्ट में आपको माइनस करना है और लास्ट में माइनस करना है, घटाना है, और सेम इधर थ्री चेन लेके फ्लावर बनाना है, फ्लावर, फिर सेवन चेन बनाना है, फिर फ्लावर बनाना है। तो यहाँ तक पूरा कम्प्लीट करके ही दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए ये पूरा कम्प्लीट हो चुका है 22 रो। अब 23 रो के लिए मैं बताऊंगी, तो यहाँ पे पहले मैं चेन बना के सेवन चेन बना के इसे ज्वाइंट कर देती हूँ। अब 23 रो के लिए अब आपको क्या करना है, तो यहाँ देखिए मैं ज्वाइंट कर दी इस तरह से, देखिए ठीक है, कुछ लुक दिख रहा है इस तरह से जो आ रहा है आपका सुराई शेप में। अब यहाँ पे मैं फिर से चेन बनाऊंगी, फिर वन डबल क्रोशे करूंगी, फिर टू चेन लूंगी, फिर टू डबल क्रोशे निकालूंगी, इस तरह से फ्लावर को कम्प्लीट करूंगी। तो ये मैं फ्लावर अब मैं 23 रो के लिए जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से थ्री चेन बनाई और फिर से देखिए हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी वन लूप के अंदर से, फिर दूसरे वाले लूप के अंदर से भी हाफ डबल क्रोशे, और फिर इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से, ये घट गया। अब यहां से देखिए दो यानी कि वन डबल क्रोशे निकालूंगी बीच से मैं, फिर ये दोनों लूप के अंदर से हाफ हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर इसे स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए घट जाता है आपका। फिर मैं यहाँ पे थ्री चेन बना रही हूँ और सेम फ्लावर इधर भी बनाना है आपको। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे मैं थ्री चेन लूंगी पहले, वन टू थ्री, फिर मैं फंदे टू टाइम इस तरह से घुमाऊंगी और इस लूप के अंदर से यानी जो चेन बना हुआ है यहां से मैं फाइव टाइम ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है, पांच बार आपको इस तरह से ट्रिपल क्रोशे करना है, तो इस तरह से फाइव टाइम आप ट्रिपल क्रोशे निकाल लीजिए। तो ये देखिए फोर हो चुका है, अब मैं एक और निकालूंगी, इसके बाद मैं फिर थ्री चेन का स्पेस लूंगी, वन टू थ्री, और मैं फिर डायरेक्ट फ्लावर बनाऊंगी और इस तरह से 23 रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आप वन चेन का स्पेस भी ले सकते हो, मैं नहीं ले रही क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा फैला फैला बन रहा है। अगर आपका थोड़ा टाइट बनता है बिनाई बिनावट आपका अगर टाइट है सख्त है तो आप यहाँ पे चेन ले सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैं मैनेज करते हुए गई हूँ, यहाँ पे फिर से बता रही हूँ कि आप यहाँ पे चेन का वन चेन का स्पेस ले सकते हो भी नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं टोटल यहाँ तक राउंड घुमा के आती हूँ, तो ये 23 रो पूरा आपका इस तरह से कम्प्लीट मैं करके, और इस तरह से देखिए ज्वाइंट भी कर दी हूँ मैं और यहाँ पे फ्लावर बना दी हूँ, क्योंकि स्किप करना पड़ता है, बहुत वीडियो बहुत बड़ी बन जा रही है, ये मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको पूरा घुमा के। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर मैं पहले ही बना चुकी हूँ, फिर से मैं अब यहाँ पे थ्री चेन बनाऊंगी
और यहाँ पे देखिए तीनों लूप के अंदर से मैं हाफ हाफ डबल क्रोशे थ्री टाइम निकालूंगी। फिर से मैं थ्री चेन बनाऊंगी, इसे मैं स्लिप स्टिच करके देखिए वन कर दी और फिर थ्री चेन बनाई और फिर मैं फ्लावर में चले गई। अब यहाँ पे देखिए फिर वो उसी तरह से सेम फ्लावर बनेगा, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से आपको थ्री चेन लेना है। अब ट्रिपल क्रोशे के ऊपर से एक लूप बना हुआ है, उसी लूप के अंदर से आपको फिर से ट्रिपल क्रोशे निकालना है। तो ट्रिपल क्रोशे के ऊपर से ट्रिपल क्रोशे निकालना है, बीच में आपको वन चेन का स्पेस या टू चेन का स्पेस जैसा आपको चाहते हो। तो मैं तो बोलना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे टू चेन का स्पेस लीजिएगा, क्योंकि मैं जब फर्स्ट में बना रही थी तो वन चेन का स्पेस ली तो थोड़ा सा टाइट बन रहा था, ये सख्त बन रहा था, तो इस कारण मैं थोड़ा ढीला के लिए टू चेन का स्पेस ले रही हूँ। तो आप भी टू चेन का ही स्पेस ले लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं बाद में उसी तरह से बनाई हूँ इसलिए मैं बता दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे मैं वन चेन का स्पेस ले रही हूँ, आप यहाँ पे टू चेन का स्पेस लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से ट्रिपल क्रोशे के ऊपर से ट्रिपल क्रोशे निकालेगा फाइव टाइम, फिर मैं थ्री चेन बनाई, फिर फ्लावर के ऊपर से फ्लावर बना रही हूँ और इस तरह से 24 रो कंप्लीट। ठीक है, तो ये 24 रो इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेम उसी तरह से हाफ डबल क्रोशे निकालना है थ्री टाइम, ये 24 ही रो चल रहा है फ्रेंड। तो ये मैं आपको बना के फिर से दिखा देती हूँ, इसलिए दिखा दी मैं। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप वहां पे स्पेस लीजिएगा टू चेन का, जैसे मैं वन चेन का स्पेस ली हूँ, लेकिन आप टू चेन का स्पेस लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा से वो फैला फैला बनेगा, ठीक है। क्योंकि मैं फर्स्ट में तो वीडियो में तो दिखा दी हूँ, लेकिन फिर बाद में मैं देखे यहाँ पे टू चेन का स्पेस ली हूँ टू चेन का, तो ये मैं सोची कि आपको बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो बनने के बाद फिर मैं उसे डिलीट नहीं करना भूल गई थी, दोबारा नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए फिर से थ्री चेन बनाई, फिर यहाँ पे मैं इस तरह से ज्वाइंट कर दे रही हूँ और फिर सेम रिपीट है वो फ्लावर सेम ही बनाना है आपको 25 रो के लिए। और फ्रेंड मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं इतना मेहनत करती हूँ, प्लीज अगर आप लोग थोड़ा भी देख रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बताना भूल गई थी, फ्लावर बनाई और फिर मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू चेन का स्पेस ले रही हूँ और फिर दूसरे वाले फ्लावर में मैं चले जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 25 रो में देखिए फ्लावर के बाद टू चेन का स्पेस लेना है, फिर दूसरे वाले फ्लावर में चले जाना है। अब यहाँ पे देखिए फिर थ्री चेन लेना है आपको, थ्री चेन के बाद अब मैं देखिए ट्रिपल क्रोशे के ऊपर से ट्रिपल क्रोशे निकाल रही हूँ और यहाँ पे मैं देखिए थ्री चेन का स्पेस ले रही हूँ। टू चेन का भी ले सकते हो, थ्री चेन का भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे तो टू चेन का ले रही हूँ। आपको जैसा ढीला फ्लावर बनाना है, ये फ्लावर का शेप आता है बहुत खूबसूरत सा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से टू चेन ले रही हूँ मैं और फिर यहाँ से ट्रिपल क्रोशे निकाल रही हूँ। और इस तरह से 25 रो को कंप्लीट करना है, फिर थ्री चेन बना के फिर फ्लावर में ज्वाइंट करना है। तो अगर ये मैं फिर से बोल दे रही हूँ, अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मेरा सख्त बन रहा है तो आप चेन की सहायता से थोड़ा लूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट में मैं फर्स्ट जो ट्रिपल क्रोशे बनाई थी तो वहां पे मैं स्पेस नहीं दी थी, तो वो बताई थी आपको। फिर यहाँ पे देखिए टू चेन बनाई और फिर डायरेक्ट में फ्लावर में आ गई, फिर वहां से फ्लावर ही निकालना है आपको इस तरह से। देखिए ये देखिए मैं आपको जो बता रही थी कि पूरा घुमा हुआ देखिए बन रहा है, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि वहां पे आप
अगर लूज बनाओगे, जैसे टू चेन में बनाई थी तो वहां पे आप थ्री चेन बनाओगे तो ज्यादा अच्छा फैला फैला दिखेगा वो फ्लावर। तो यहां तो पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूं मैं। तो क्या होता है, जब मैं वीडियो शूट करती हूं तो वहां पे मैं चेन लेती हूं, उसके बाद मुझे लगता है कि ये टाइट बन रहा है तो वीडियो तो शूट हो जाता है, तो मैं इतनी सारी वीडियो होती है कि मैं उसको फिर डिलीट करना भूल जाती हूं, और फिर दूसरे वाले वीडियो बनाती हूं तो मैं फिर उसे बनाने के बाद मुझे लगता है कि मैं आपको शायद दिखा दी हूं। तो ये भी मिस्टेक मेरे साथ कभी कभी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से मैं देखिए थ्री थ्री चेन ली क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा सुकड़ा हुआ बन रहा था, तो इस कारण मैं देखिए टाइट सा बन रहा था, देखिए मैं दिखा दे रही हूँ आपको। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल दी थी कि आप यहाँ पे चेन की सहायता से लूज कर सकते हो, तो बहुत अच्छा से वो फैला हुआ लुक दिखता है। अब यहाँ पे मैं कुछ येलो कलर का भी कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं येलो कलर का ऊन का यूज कर रही हूँ, नोट लगा ली हूँ पहले ही क्रोचेट नीडल्स में। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ही ज्वाइंट करूंगी, ये जो फ्लावर है वहीं से मैं शुरू करूंगी। तो फ्लावर के ऊपर से आपको बस फ्लावर ही निकालना है, सेम फ्लावर जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाना है। पहले आपको चेन बनाना है थ्री चेन, फिर वन डबल क्रोशे, फिर टू चेन, फिर टू डबल क्रोशे, इस तरह से फर्स्ट में आपको फ्लावर को इस तरह से बना लेना है। और ये 26 रो चल रहा है, टोटल आपका 27 रो है ये इसमें। तो यहाँ पे मैं 26 तक पहुंच गई हूँ। अब यहाँ पे देखिए बीच में मैं देखिए थ्री चेन का स्पेस ले रही हूँ, और ये जो आपको ट्रिपल क्रोशे है वहां से मैं देखिए इस तरह से ट्रिपल हाफ ट्रिपल क्रोशे निकाल रही हूँ, हाफ ट्रिपल क्रोशे से बोला जाता है। तो इस तरह से हाफ ट्रिपल क्रोशे निकाल लीजिएगा, फिर उसे एक कर लीजिएगा, ज्वाइंट कर लीजिएगा दोनों को एक साथ। फिर यहाँ पे फिर से मैं देखिए चेन की साइड चेन ली थ्री चेन, फिर इसके बाद देखिए ट्रिपल हाफ ट्रिपल क्रोशे फिर से टू टाइम निकाल रही हूँ उसी के लूप के अंदर से, और फिर मैं स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दे रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे थ्री चेन का स्पेस लूंगी और फिर हाफ ट्रिपल क्रोशे निकालूंगी, वन हाफ ट्रिपल क्रोशे, फिर टू हाफ ट्रिपल क्रोशे, और फिर तीनों को मैं स्लिप स्टिच करके एक कर दूंगी इस तरह से। फिर ट्रिपल क्रोशे आपको फिर थ्री चेन बनाना है आपको, और इसी तरह से टोटल रिपीट करना है फ्रेंड 26 रो में। और जहां पे फ्लावर आएगी वहां पे आपको फ्लावर बनाना है, और बीच में जो मैं स्पेस ले रही हूँ वो थ्री थ्री चेन का स्पेस है, ठीक है। देखिए थ्री चेन बनाने के बाद मैं फ्लावर में आ गई और सेम उसी तरह से फ्लावर बना रही हूं मैं, फोर डबल क्रोशे, बीच में टू चेन का स्पेस। अब ये दोनों के बीच में मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट मैं फ्लावर में आ जाऊंगी, यहाँ पे आपको चेन का स्पेस नहीं लेना है। ठीक है इस तरह से, और ये रो को मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो सेम बनेगा, यहाँ पे देखिए बीच बीच में मैं थ्री चेन का स्पेस ली हूँ और हाफ ट्रिपल क्रोशे टू टाइम निकाली हूँ वन लूप के अंदर से, और फिर मैं उसे स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट कर दी हूँ। तो ये देखिए पूरा मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं ज्वाइंट करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं 27 रो क्या करना है 27 रो में वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से ज्वाइंट पहले कर लीजिएगा थ्री काउंट करने के बाद। अब फिर से सेम स्लिप स्टिच करना है आपको और लूप में पहुंचना है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी 27 रो के लिए, तो पहले फोर चेन बनाना है आपको, फिर वहीं पे सिंगल क्रोशे कर लेना है उसी लूप के अंदर से, फिर मैं फाइव चेन बनाऊंगी और फिर वहीं पे आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है, फिर मैं यहाँ पे फोर चेन बनाऊंगी, फाइव या सिक्स जो भी बनाना जितना आपको लंबा बीच का रखना है, फिर मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से फ्लावर का लुक बहुत सुंदर सा दिखता है। और फिर मैं देखिए वन चेन ली और यहाँ पे बीच में ज्वाइंट की, फिर वन चेन ली सॉरी टू चेन ली और फिर टू चेन लेके यहाँ पे आ गई, और फिर से सेम उसी तरह से रिपीट करना है, फोर चेन बनाना है,
सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है उस लूप में, फिर 5 चेन बनाना है या 6 चेन, फिर मैं बीच में इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी सिंगल क्रोशे करते हुए, फिर 4 चेन। और इसी तरह से ये 27 रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा लुक दिख रहा है। तो दूसरे वाले जाने के लिए देखिए आपको इस तरह से चेन लेना होता है और फिर बीच में ज्वाइंट करना है, फिर 2 चेन लेते हुए फिर यहाँ पे आ जाना है आपको। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो। अगर और भी देखना चाहते हो अच्छे अच्छे वीडियो, और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसे कैसे और सी वीडियो बनाऊं। वैसे मैं इस अपनी जो सुनीता उल वर्ल्ड है इसमें मैं इस तरह